अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। चल झूठा, अभी तो व्लॉग में आ रहा मैं। आज ही संडे है और क्रिकेट डे है। आज हम क्रिकेट बुक के, कौन सी ग्राउंड है ये? है नागरा चौक की डी ब्लॉक की ग्राउंड। ये सब बाजार के साइड पे आती है, ये डी ब्लॉक की ग्राउंड, इसको डी ग्राउंड भी कहते हैं। ये डी में डी शेप है, डी शेप पता नहीं है, नहीं है पता, कोई नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर शेप है। लेकिन मैच है, ये पिच है जी, ये यार वट्टा करा के दिखाओ। वे व्यूअर्स आपको वट्टा करना सिखाएगा, चेक करो, चेक करो। चलो ओए चेक करो वट्टा मास्टर। तो अभी टीम का वेट कर रहे हैं, अपोनेंट टीम का, अपोनेंट टीम तो पहुंची नहीं है, तो हम आपस में एक मैच लगा के चेक करते हैं कि ग्राउंड कैसा, पिच कैसा और प्लेस की कैपेसिटी चेक करते हैं। तो बाकी देखते हैं क्या फिर सीन होता है, जो भी अपडेट होती है मैं आपको देता हूँ। तो जी जब तक ओपनिंग टीम नहीं आ रही तब तक हम अपना ही मैच खेल रहे हैं। छोटा सा अपना मैच लग गया तो वो खेल रहे हैं, तो वो खेल के अब देखते हैं अब ओपनिंग टीम कब तक आती है, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अगली टीम आ चुकी है, वो पीछे खड़ी है। फिलहाल हमारे दो दो ओवर के दो मैच हुए हैं। और भाई ओ मच्छी फाड़ रहे हैं भाई, मैन ऑफ द मैच ये था, इसने हाथों का कैच छोड़ दिया, चौका हो रहा था, छिक्का करा दिया। ये पिच है, पिच का ओवर भी चेक करें आप जरा। ओ टॉस हो रहा जी, अभी आपको अपडेट देता हूँ टॉस की, क्या अपडेट है। टॉस हम जीते थे, बैटिंग का फैसला किया जी, जी तीसरी बॉल है वो वाइड हो गया, तो बॉल हो गया। ये ग्राउंड है जी, लो जी पहली विकेट डाउन, फिफ्थ बॉल पे, फोर्थ बॉल पे, फोर्थ बॉल पे जी पहली विकेट डाउन, दो स्कोर है हमारा। थोड़ी मुश्किल का सामना पेश करना पड़ा, अभी अली भाई जा रहे हैं हमारे, अली बैटू ये कप्तान थोड़ी है। तो जी हमने उन्हें 69 का टारगेट दिया 8 ओवरों में, तो बीच में बैटिंग कोलैप्स भी कर गई थी हमारी, लेकिन फिर मुनासिब स्कोर है, देखते हैं भी क्या होता है, ठीक है अब उनकी बैटिंग है। तो जी पहला मैच हम हार चुके हैं, तकरीबन 4-5 ओवर में ही मैच खत्म हो गया था, तो अब अगला मैच शुरू हुआ, तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो अभी इसके बाद अभी ओपनर ने इनकी बैटिंग जा रही है, इसके बाद आपसे मिलते हैं। मेरे नहीं आने तो जी आप मेरे ख्याल से एक छक्का चाहिए बस जीतने के लिए। मैं तो जी 3 बॉलों पे 7 स्कोर चाहिए, देखते हैं क्या बनता है। दो बॉलें 7 स्कोर चाहिए, वाइड बॉल। तो जी स्टील 2 बॉलें, तो जी स्कोर सर लेवल, 1 बॉल पे 1 स्कोर चाहिए बस जीतने के लिए हमें। तो जी उन्होंने 80 का टारगेट दिया था मेरे ख्याल से, मैं अब स्कोर लेवल हो गया, 1 बॉल पे सिर्फ 1 स्कोर चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है आखिरी बॉल पे। तो जी हम जीत चुके हैं, तो जी हम मैच जीत चुके हैं, ये इन्होंने छक्के मारे एंड में, एंड वाले ओवर में इन्होंने जरा टका के छक्के मारे। तो जी मैच शैच खेल के हम वापस आ गए थे, मैच से वापस आके मैं नाश्ता किया, उसके बाद मैं सो गया, उसके बाद मुझे पता नहीं मेरे मैं कब उठा कब नहीं कब कैसे सोया। तो जी मैच हो गया था हमारा सीरीज टाई, एक मैच वो जीत गए थे, एक मैच हम जीत गए थे, दूसरा मैच था जो हम जीत गए थे। और पहले मैच में हमने कोई 8 ओवर्स में 69 का टारगेट दिया था, उसके बाद उन्होंने कोई सेकेंड लास्ट ओवर में चेस कर लिया था वो, और उसके बाद टॉस हम जीते और बैटिंग ली हमने, और उनको हमने 80 का, उन्होंने बल्कि हमें 80 का टारगेट दिया, उनके विंड बैट था सॉरी,
विंडो बैट था उन्होंने, फिर बैटिंग ली दूसरे मैच में उन्होंने, फिर हमें 80 का टारगेट दिया। हमने वो लास्ट बॉल पर चेस किया, वो लास्ट आखिरी 6 बॉलों पर कोई 13 स्कोर रह गया था, जो कि पहला 6 आ गया था पहली बॉल पर, उसके बाद लगातार 3 बीट हुई हैं तो 4 बॉलें हो गई, 2 बॉलों पर 7 स्कोर रह गया हुआ था, फिर 5वीं बॉल पर छक्का लगा और इस तरह लास्ट बॉल पर सिर्फ 1 रन रह गया, वो तो शुक्र है कि टच हो गई तो सिंगल हो गया। तो ग्राउंड था ये इसको बोलते हैं डी चौंक का ग्राउंड या डी ग्राउंड, ये सब्जार की तरफ अगर आप जाएँ लियाकत चौंक से आप थोड़ा सा आगे जाएँ ना, जहाँ पे मोटर भी शुरू होती है, जहाँ पे बाबू साबू मेरे ख्याल में टोल प्लाजा है शायद, वो उससे थोड़ा सा पहले आ जाए। तो ये बुक करवाया हुआ था, बुकिंग कितने में हुई, बुकिंग हुई जनाब ऑलमोस्ट 3000 और 3 से 4 घंटे का टाइम था, 5 से 5.5 से 8 तक का टाइम था, लेकिन ओपोनेंट टीम हमारे पास पहुंची ही 6:30। तो मैच जो लेट स्टार्ट हुआ तो इसलिए 2 मैच हुए, वरना बेस्ट ऑफ 3 था। ओवर भी वो कहते थे हमने 8 ओवर खेलने से कम खेलने नहीं है, तो ओपोनेंट टीम की वजह से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हमें भी, तो सिर्फ 2 मैच पे हमें ख़त्म करना पड़ा अपने सीरीज अपना संडे मैच। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं किया आपने तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट लीव कर दें। मैं इस वक्त जी इस गाड़ी में बैठा हूँ, इसका भी आपको एक व्लॉग दूंगा मैं बहुत जल्द कि क्या डेट्स हैं इसकी, वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगी। लेकिन ये था संडे क्रिकेट मैच, तो होपफुली आपने इन्जॉय किया होगा, अगर आपने इन्जॉय किया तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ क्रिकेट व्लॉग में नेक्स्ट संडे, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, भाई की दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, उसके बगैर हमने जाना नहीं कहीं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।